कै रुपया किलो? कै रुपया किलो? ए 100 रुपया किलो। इतना सस्ता? हाँ। अच्छा हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे घर ताल से आई हैं ताज़ा मछली। आज पानी बरस रहा था तो मछली चढ़ रही थी तो लोग मारे हैं। देखिए वो भी करपा से और जाल से जो होता है नाए वाले मारते हैं। तो आया है देखिए ताज़ा ताज़ा मछली है, नंदिनी जी बना रही हैं। खिलाएंगे कि नहीं सबको? इन्वाइट करिए, ऐसे काम कर। तो दोस्तों देख सकते हैं मछली में अंडा है, अंडा निकल रहा है, उसको तलेंगे अभी। बनाने नहीं आता, क्या करने के लिए बनाने चली जाती है? हमारा देखा दोस्तों देख सकते हैं इधर बन रहा है। और ये कौन सी मछली है? कौन सी मछली है ये देख सकते हैं? शायद रैया। हाँ रैया है, रैया मछली है दोस्तों। देख सकते हैं बन रहा है, अभी ये इसको बना रही हैं। और अभी देखिए पेट पेट उसका फाड़ रही हैं। उसमें देख सकते हैं आप लोग अंडा कैसे निकल रहा है। ये अंडा को अलग से तलेंगी, ये देखिए। इनको बनाने नहीं आता है मछली, और ये मछली नहीं बनाती हैं, अपने मायके में मछली नहीं बनाती थी। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत सीख ली है मछली बनाना, नहीं तो भगत थी। इनकी मम्मी भी भगत है और ये भी भगत थी। अंडा भी नहीं खाती थी मछली भी, मीट भी नहीं। अभी मीट नहीं खाती हैं फिलहाल, मछली खा लेती हैं कभी कभी, और अंडा तो मम वो भी कभी कभी खा लेती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर मम्मी चावल फटक रही है, और महात्मा जी बैठी हैं। पहला कक्षा ही हमारो मार खावा का। देख देखिए दोस्तों इधर इधर देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। टीटू टीवी देख रहा है, बर्फ खा रहा है, और देख रहा है पता नहीं क्या कार्टून देख रहा है। सो दोस्तों इधर देख सकते हैं मेरे घर एक सरप्राइज हो ये है कि देख सकते हैं दोस्तों ये मेरे घर ये जो तख्ता बनने वाला था बन के आ गया है। देख सकते हैं मैं आम का पटरा लगा है और वो शीशम का घोड़ा लगा हुआ है इधर। और इस इधर देख सकते हैं दूसरा वाला तख्ता, इसमें भी आम का पटरा लगा हुआ है और ये शीशम का घोड़ा है। देख सकते हैं जो कि शीशम का लकड़ी बहुत पुराना था, घुन सड़ जा रहा था, इसलिए वो पापा कहे सड़ जाएगा उससे बढ़िया तख्ता बनवा देता हूँ। और ये इसका इस पटरे का दाम मतलब एक तख्ते के पटरा का दाम 1300 रुपया, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1300 इसका लगा है, 1300 उसका, दोनों का 2600 लगा है पटरा का दाम, और बनवाई भी जो भी लगा है मिस्त्री का। तो बन के आ गया दोस्तों, अभी आया है, उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दिखाता हूँ आगे मछली कैसे बनाएंगी, कैसे तालेंगी आज जो की ताल से आया है। कटोला उड़ दें? तो दोस्तों इधर मैं थाली लेके जा रहा हूँ अंडा को ढकने के लिए, कहाँ से मक्खी लग रही हैं, ढका गया है इधर। देखिए 2 किलो मछली है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं आएंगे कम से कम कमेंट करके बता सकते हैं तो हमें इधर से व्हाट्सअप कर देंगे, आपको एक एक पीस आपको देख करके खा लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा बनाने में? सो दोस्तों अभी दिखाते हैं आगे, जब कट के तैयार होगा तो धो के तैयार हो जाता तो दिखाते हैं, अभी तो बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देख सकते हैं मछली कैसे बनाती हैं, इनको बनाने नहीं आता है मगर देख सकते हैं किस तरह, मतलब ये हंसिया से काटने उठने नहीं आता है। बखिया बहुत टफ बनाती हैं, मसाला वसाला एक नंबर का पीसती हैं, और तेल
बढ़िया से डालती हैं, छौंकती हैं। अभी सारा चीज़ आपको दिखाएंगे कैसे बनाती हैं। आज पूरा वीडियो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को कि इनको कैसे बनाती हैं। खाली इनको काटने उटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बकिया एक नंबर का बनाती हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लार तक ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं अभी मछली धुल उल की यहाँ रखी हैं, इसमें हल्दी लगा करके। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, और तलने के लिए भी तैयार है मछली, और कढ़ाई में पड़ चुका है, तला जा रहा है। और लाइट चला गया है, देखिए लाइट जला करके किसी तरह खाना बन रहा है। इधर चावल हो गया है, इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा पीस, मीडियम पीस है का मछली है दोस्तों। आज ताज़ा ताज़ा मिल गया है, तो भाजी लेके आए हैं, तो बन रहा है। और बहुत मेहनत से बना रही हैं, काहे से बहुत टाइम लगा धोने में इनको, एक घंटा लग गया है धोने में। इधर देखिए खूब टाइट का इसको हो आ रही है, ताकि उसमें जो छोटा छोटा कांटा रहे वो जल जाए, और जो बड़ा वाला कांटा रहे खाली वही बचे, ताकि बच्चे भी खा सकें इसको। ज़्यादा तल देना उचित रहता है, और उसका चमड़ी भी जल जाता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, ज़्यादा जब तला जाता है तो। दोस्तों इधर मछली तल गया है, अब अंडा तल रहा है। देखिए अंडा तल के निकाल रही हैं, कहाँ से जो मछली थी वो अंडा वाली मछली थी। इस समय बारिश का समय है, तो सब मछली में अंडा इस समय मिलेगा लगभग लगभग करके, जो भी मादा मछली होंगी उसमें अंडा मिलेगा दोस्तों। कहीं से बरसात के समय में सब के पेट में अंडा रहता है, तो उसको तल रही हैं। अभी टेटू खाएगा और मैं खाऊंगा और मम्मी भी खाएगी, तो देखिए दोस्तों। सभी दोस्तों देखिए अंडा उधर तल रही हैं, और देखिए पूरा हो गया है, निकाल दिए हैं और हमें निकाल के रख रही हैं दोस्तों। जो भी थोड़ा सा बचा था अंडा उसको तल रही हैं, और मैं ओवर वॉश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मैं बोला था वो थोड़ा सा आवाज़ की वजह से उसको बंद करना पड़ा। इससे दोस्तों पीछे देख सकते हैं नंदन जी मोबाइल जला करके उसमें मछली को अंडा को तर रही हैं, लकड़ी लगा भी रही हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हमारी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर मम्मी है, अभी टीटू मछली का अंडा निकाल के खा रहा है और आया है मेरे पास, कह रहा है पापा ऐसे निकाल के खाऊं, तो मैं कह रहा हूँ खा सकते हूँ। और नंदन जी देख रही हैं कि टीटू खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और देखिए कितना चाव से खा रहा है, और ऊपर से वो अंडा मुर्गी का मांग रहा है कि मैं ऑमलेट बना के खाऊंगा, ये अंडा भी खा ले रहा हूँ और मुर्गी का अंडा भी खाऊंगा। तो दुकान से लाना पड़ेगा उसको मुर्गी का अंडा भी, तो इसको निकाल के खा रहा है और हमसे कह रहा है कह रहा देखिए कि भूत आने वाला है, ऐसे करता ऐसे कर रहा है, और कह रहा है मछली खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझको अंडा खिलाइए वो भी मुर्गी वाला। तो अभी दुकान से लाना पड़ेगा दोस्तों, जल्द देख सकते हैं टीटू अब काफ़ी शैतानी करता है। और इधर नंदनी जी खा मछली तल चुकी हैं, अभी इसको पकाना बाकी है दोस्तों, अभी खाली तला जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी जरा सी कहा बोल रहा है जी, बोलो कसके पद्दू टीटू बोलो बाबू, क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या खाओगे, क्या खाओगे बता दो, बता दो क्या खाओगे। सो
फाइनली दोस्तों देखिए इधर मछली हो गया है, आपको दिखाता हूँ। देखिए मछली हो गया है और इधर रोटी है, चावल है, इधर नंदनी बना के जाके हवा ले रही हैं। सो दोस्तों आगे दिखाता हूँ, हमको भी खाना निकल गया है और बाबू जी खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं मेरा खाना निकल गया है, इधर देख सकते हैं। हमारे मोटा कटवा हो गए दोस्तों, बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।